हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज m l टू द पावर माइनस 1 t टू द पावर माइनस 2 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ. तो हमें बताना है कि ये चार ऑप्शंस में से किस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन. इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है m l t टू द पावर माइनस 2. और यहाँ पे तो एल टू द पावर माइनस 1 है, यानी कि अगर हमें फोर्स को एल स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमें ये गिवन डायमेंशन मिलेगी. तो फोर्स तो नहीं है. कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशन लेस होता है, तो डायमेंशन लेस है ये तो हो नहीं सकता. दिस इज डायमेंशन लेस. ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख लेते हैं. दिस इज डायमेंशन लेस. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. और स्ट्रेन क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि ये होता है डेल्टा एल बाय एल. तो एल और एल की जो डायमेंशन है या यूनिट्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया. तो यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन एम एल टी टू पावर माइनस 2 और एरिया की एल टू पावर 2. तो यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन क्या आ गई? एम एल टू ज पार माइनस 1 टी टू ज पार माइनस 2. ठीक है, यंग्स मॉडुलस की डायमेंशंस जो हैं वो सेम डायमेंशन में जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है. तो सेकंड ऑप्शन तो गलत था ही, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. और एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती हैं? एम एल टू ज पार 2 टी टू ज पार माइनस 2. ठीक है, तो ये भी नहीं है. थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.